दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस। केवी क्लासेस का यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि सबसे सटीक होगा दोस्तों आपका जो आने वाला एग्जाम है, बिहार दौरा का मेन्स, इन्फोर्समेंट SI का PT का जो एग्जाम होने वाला है, और BSSC मेन्स, ये तीनों एग्जाम के लिए कवर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, सारे सटीक क्वेश्चन है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आपको बताना है कि 50 में से कितना आपको नंबर आ रहा है दोस्तों, 50 क्वेश्चन पूरा का पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा का 50-50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आप सबों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या क्वेश्चन हमारा कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तांबा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपको, हाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आपको ऐसा तत्व, ऐसा हाइड्रोजन ही है जिसमें आपको न्यूट्रॉन नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है, और साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक जो प्रोटोनियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसकी इकाई है, यहाँ देख लीजिए आपका चार ऑप्शन दिया है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो तरंगदैर्ध्य की मापने की इकाई होता है वो क्या आपको एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों आपको 10^-10 मीटर होता है। कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को किससे मापा जाता है। आवृत्ति का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है आपको, हर्ट्ज होता है। क्या होता है आपको, हर्ट्ज होता है। मैं आपको बता दूं कि एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000, एक सामान्य मनुष्य 20 से आपका कितना 20,000 हर्ट्ज तक आपका मनुष्य ध्वनि सुनने में सक्षम है। मनुष्य आपका 20 से 20,000, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य के सुनने की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों, कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। और इसका जो राइट आंसर था आवृत्ति को मापने का वो क्या हो जाएगा आपको, ये हर्ट्ज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, घड़ी में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, किसका बना होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये आपका सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज में क्या मापा, क्या माना जाता है, हर्ट्ज में क्या माना जाता है, हर्ट्ज में क्या माना जाता है, तो इसमें क्या माना जाता है आपको, आवृत्ति माना जाता है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसे संकेत HZ से हम सूचित करते हैं, इसको कैसे सूचित करते हैं, HZ से सूचित करते हैं। और एक सामान्य मनुष्य आपको पिछले भी पता दिया कि 20 हर्ट्ज से आपका कितना 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की क्षमता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, विद्युत शक्ति बराबर पी बराबर जो होता है आपको कार्य बटे क्या होता है, समय होता है। इसको भी याद रखिए, कार्य बटे क्या होता है आपको, समय होता है। पी बराबर क्या होता है आपको, डब्ल्यू बटे क्या होता है आपको, टी होता है। पी मतलब आपको क्या होता है आपको, विद्युत शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा क्या होगा, दिस स्पेक्ट्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको, 3900 एंगस्ट्रम से 3600 एंगस्ट्रम होता है दिस स्पेक्ट्रम। तरंगदैर्ध्य की सीमा जो होती है कितना होता है, 3900 से 3600 एंगस्ट्रम होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस प्रकाश में दिखता है, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस प्रकाश में दिखता है, ये आपको ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 400 से 700 nm, 400 से 700 nm इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 400 से 700 नैनोमीटर, इसको कहते हैं नैनोमीटर आपका, ये 400 से 700 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, आर्द्रता जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपको, बी हो जाएगा। हाइग्रोमीटर वायुमंडल के सापेक्षिक आर्द्रता का माप किया जाता है, ठीक है, और ये जल के तुलनात्मक घनत्व मापन किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, दाब का इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या होगा, दाब का जो इकाई होगा दोस्तों, दाब का जो इकाई होगा ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, न्यूटन वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या होगा, न्यूटन वर्ग मीटर होगा।
इसके बाद क्या है कि दाब का मात्रक है, दाब का जो मात्रक है दोस्तों इनमें से ये कोई नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत बताए थे क्या होता है न्यूटन वर्ग मीटर होता है। यहाँ पे आपका एक ऑप्शन होना चाहिए नॉन ऑफ दिस आपका, ठीक है, एक नॉन ऑफ दिस होगा यहाँ पे नॉन ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। देखिए वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं, और अदिश राशि किसको कहते हैं, अदिश राशि जिसका वेग क्या कहता है आपको कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं और दिशा के नहीं होते उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण हो गया आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया, दाब हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, तो आप देखिए क्या है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, दाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं है, प्रतिबल, विकृति, बल और दाब। सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और वस्तु के मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं, विकृति एक बीमाहीन राशि है अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता, ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन को चुनाव करना है आपको, सही कथन को चुनाव करना है, क्या है, लाल प्रकाश तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, बैंगनी प्रकाश तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, बैंगनी प्रकाश तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज्यादा होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा आपका, ये रेड का प्रकाश तरंग आपका बैंगनी से क्या होता है आपका ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा, बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है वो आवृत्ति सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा उल्टा होता है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है ज्यादा कम होता है और आवृत्ति क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति क्या होगा कम होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, एक परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित होता है उसको हम क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, क्या आपको न्यूक्लियस कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, एक ठोस है सीधे उसमें क्या होता है आपको गैस में परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, ये आपका उर्ध्वपातन कहलाता है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपको बी हो जाएगा। उर्ध्वपातन मतलब वो क्रम हो गया जो कि ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है, इसे सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है और इस अवस्था को सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में भी आ जाता है, इससे हम क्या करते हैं उर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें क्या है, आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, आवेशित कण हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, आपका ये जो जी है आपका 2G स्पेक्ट्रम जो दिया हुआ जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, ग्लोबल, गवर्नमेंट, गूगल या जनरेशन। आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपको जनरेशन हो जाएगा, ये सेकेंड जनरेशन होता है 2G 3G 4G 5G 5 जनरेशन 4 जनरेशन 3rd जनरेशन, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रडार का आविष्कारक कौन था, कौन हो जाएगा आपको रॉबर्ट वाटसन हो जाएगा, कब रॉबर्ट वाटसन, ये कब हुआ था 1935 ईस्वी में, कब किया था आविष्कार 1935 ईस्वी में किया था, कौन किया था रॉबर्ट वाटसन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उसके बाद देखिए गॉड पार्टिकल है क्या है, ये गॉड पार्टिकल क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल क्या है, ये हिग्स बोसन है, क्या है आपको हिग्स बोसन का एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिक्रमा वर्ष 1964 में की गई थी और इसका सत्यापन हुआ था 14 मार्च 2013 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन जो थे उसको भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार मिला था कब मिला था, ये मिला था 1930 ईस्वी में मिला था। मैं बता दूं कि भारत के जो है आपको जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है इसको कब मिला था साहित्य के लिए मिला था, इसको साहित्य के लिए मिला था कब मिला था 1913 ईस्वी में। उसके बाद हर गोविंद खुराना
और गोविंद खुराना को जो मिला था चिकित्सा के लिए मिला था, कब मिला था, 1968 ईस्वी में। और उसके बाद आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इसको मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, कब मिला था, 1983 ईस्वी मिला था, ठीक है। उसके बाद मदर टेरेसा को मिला था आपको शांति पुरस्कार, कब मिला था, ये 1979 में मिला था। और उसके बाद अमर्त्य सेन जो हाल फिलहाल में मिला था इसको इकोनॉमिक्स के लिए, इसको कब मिला था, 1998 ईस्वी मिला था। यहाँ पे क्या किया है कि सीवी रमन को कब मिला था, अब सीवी रमन आपको कब मिला था, आपको 1930 ईस्वी में, कब मिला था, 1930 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, आपको इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, गैलीलियो ने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने किया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। अगले बात क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट में स्केल में क्या होगा, ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको, 106 डिग्री फॉरेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 104 डिग्री फॉरेन हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या आता है आपके, एफ बराबर होता है 9/5 सी प्लस 32 होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे आप सेल्सियस लिख रख दीजिएगा, सेल्सियस रख देने के बाद क्या आ जाएगा आपको, 104 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एफ बराबर होता है 9/5 सी प्लस 32, यदि सी दिया हो एफ निकाल सकते हैं, एफ दिया होगा तो सी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी का जो तकनीक का प्रयोग होता है ये किसके लिए होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में आपका किसका प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या होता है, लोलक की जो काल अवधि होती है टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। लंबाई के ऊपर ये निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है, लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है। और देखिए ये क्या होता है कि टी बराबर जो होता है 2π रूट अंडर होता है आपको एल बटे जी होता है, ठीक है। यहाँ पाई और जी क्या है आपको, आपका जो ये आपका क्या है कॉन्स्टेंट होता है, पाई और जी कॉन्स्टेंट होता है, और ये आपका कालावधि लोलक की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का गुणनफल होता है, बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है, तो द्रव्यमान और क्या होता है आपको, त्वरण, तो त्वरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए जो सही सूत्र होगा तो ए बराबर होता है वी माइनस यू बटे क्या होता है आपको, टी होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये वेग, ये भी अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग बटे क्या होता है आपको, समय होता है। वी बराबर क्या होता है, यू वी माइनस यू बटे टी होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब सदिश नहीं है, यहाँ पूछ रहा है आपको सदिश नहीं है, सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों चाहिए, तो आप देखिए क्या विस्थापन है, बल है, वेग है, आयतन है, तो आप बताए थे कि आयतन आपका किस में आता, अदिश राशि में आता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि ज्ञात की जाती है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। संवेग और वेग का जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम वी बटे क्या होता है आपको, वी बराबर क्या होता है, एम होता है, एम वी बटे वी इंटू क्या हो जाएगा, बराबर एम हो जाएगा, ये कर जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10^-12, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर सी हो जाएगा, 10^-12 ग्राम के बराबर होता है। इसके बाद है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा,
इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। ये बहुत सारी जगह करता है, रामझूला में भी काम करता है ये, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय आपका क्या होगा वे शून्य होगा। इसके बाद एक वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी विद्युत चुंबकीय अनुधर या ध्रुवीकृत होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या होगा आपको अनुधर्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा ये राइट आंसर। इसके बाद है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या होगा, विद्युत शक्ति का जो इकाई होगा वो क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, विद्युत शक्ति का जो इकाई होता है क्या आपको वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टरबाइन एवं डायनेमो की बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा सौर ऊर्जा या मैग्नेटिक ऊर्जा। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली की खर्च होगी, तो ये देखिए क्या होगा इसका जो खर्च होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपको बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक इकाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखिए, यूनिट जो होता है यूनिट 100 गुने कितना होगा आपको 10 घंटा, ये कितना हो गया आपको 1000 वाट पर घंटा हो गया, और ये 1000 वाट पर घंटा बराबर होता है एक यूनिट होता है, कितना होता है आपको एक यूनिट होता है, 1000 वाट पर घंटा मतलब होता है आपको एक यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका एक हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है जस्ता अमोनियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक या मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको ये क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर क्या करता है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है, वोल्टमीटर वोल्टामीटर एमीटर या पोटेंशियोमीटर, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ए मीटर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, विद्युत धारा निम्नलिखित में किस उपकरण द्वारा नापी जाती है, ए मीटर द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, ए मीटर से अभी तो बताया था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है, अलग करने का क्या तरीका है, तो इसका जो तरीका क्या है कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी एनेक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अब देखिए फोकस दूरी बराबर क्या होता है 1/2 लेंस की क्षमता मतलब डी होता है, यह बार 1/d होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 को करेंगे तो कितना होगा 0.5, या इसको हम क्या कहते हैं 50 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, ये उत्तर की दिशा की ओर संकेत करती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। इसके बाद है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, तंतु को गर्म करके, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, अपेक्षिता संग्रहित एवं ऊर्जा की तुल्यता प्रकाश विद्युत अभाव या बोस आइंस्टीन संघनन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी। जो नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टीन को किसके लिए मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम तांबा लोहा एल्युमिनियम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको दोस्तों, जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़न गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से या ठोस को पिघलाने से, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से,
क्या होता है, आपका तापमान कम हो जाता है जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, बी हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।